सलामतपुरा में इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में यके बाद दीगरे डकैती की वारदात हुई है। डाकू ने शहरियों से हजारों की नकदी और मोबाइल फोन्स लूट लिए हैं और ऐसे में वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। जी फयाज बताइएगा। देखो तारिक, ये वाकया भगवानपुरा के इलाका सलामतपुरा में पेश आया, जहाँ पर दो डाकू जो है, पहले तो उन्होंने राहगीर शहरियों को लूटा, जिसके बाद वो एक इंस्टॉलमेंट शॉप के अंदर चले गए जहां उन्होंने वारदात की। वारदात के बाद जब वो फरार होने लगे तो शहरियों ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इन दोनों डाकुओं को पकड़ लिया। इस दौरान डाकुओं ने अपने बचाव के लिए हवाई फायरिंग भी की, मगर खुशकिस्मती से कोई नुकसान ना हुआ। शहरियों ने डाकुओं को पकड़ने के बाद उनकी जबरदस्त पिटाई की और इसी दौरान पुलिस भी मौका पर आ गई तो शहरियों ने डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है के डाकू जो हैं वो किस तरह दुकान में दाखिल होते हैं। पहले वो कैश काउंटर से पैसे लूटते हैं, जिसके बाद वो वहाँ मौजूद शहरियों की जेबों से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। इस दौरान मजामत का सामना भी करना पड़ता है, मगर जब डाकू वारदात के बाद दुकान से बाहर निकलने लगते हैं तो वहाँ पर मौजूद शहरी जो है वो उनको पकड़ लेते हैं। फायरिंग के मनाजर भी सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं कि किस तरह डाकुओं ने हवाई फायरिंग की, सीधे फायर की, मगर खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान ना हो सका। पुलिस ने गिरफ्तार डाकुओं को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करके उनकी तफ्तीश शुरू कर दी है। जी, पुलिस ने इन डाकुओं की तफ्तीश शुरू कर दी है। शुक्रिया आपका फयाज।